दोस्तों अभी जो गणेश चतुर्थी चल रही है तो उसके अंदर हम लोग जानेंगे गणेश भगवान से, जिनकी अभी चतुर्थी चल रही है तो उनसे चार नंदिंग जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी की जो रियल लाइफ रहती है लोगों की, तो उसके बारे में। तो मेरा नाम है वान अमरनाथ सन का। तो पहली जो चीज आती है वो है कंप्लीट द टास्क। तो वो जो है ये दो मैं आपको स्टोरीज बता दूँ गणेश भगवान की। पहले तो जब जो भगवत गीता मतलब कि जो है लिख रहे थे, मतलब पूरे महाभारत लिख रहे थे जो गुरु थे, उन्होंने जो है गणेश भगवान को लिखा, बोला कि आप लिखिए, मैं जो है नॉन स्टॉप श्लोक बोलते जाऊँगा आपको लिखना। फिर उससे उन्होंने गणेश भगवान ने लिखना चालू कर दिया। तो पर उनकी नीति में नहीं था, तो उनका जो कलम है मतलब जो पेन है वो टूट गया। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा क्या करें, जो उन्होंने एक दांत तोड़ा अपना और उसका उससे लिखने लग गए। तो इससे समझ आता है कि आपका जो भी टास्क है वो सब जो करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है सेकेंड स्टोरी आती है कि पार्वती माता ने अपने बहन से यह क्या गणेश भगवान को जो पैदा करा था और उनको बोला था कि ये आप इधर किसी को अंदर आने मत देना, तो शिव भगवान को जो अंदर जाने तक उनका ही घर था। तो उनके बीच में जो लड़ाई हुई, शिव भगवान बोलने लगे मेरे को जाने दे, फिर भी गणेश भगवान रुक जाते तो लड़ाई हो गई। और फिर उसके बाद जो शिव भगवान ने जो उनका गणेश भगवान का सिर धन से नक कर दिया। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि कुछ भी हो आपका जो टास्क पूरा होना चाहिए। गणेश भगवान ने टास्क पूरा करने के लिए जो है अपनी जान भी दे दी थी। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वो आपको रहना चाहिए। जैसे कि स्टोरी है कि शिव भगवान और पार्वती माता ने जो ये एक शर्त लगाई थी कि जो मतलब जो उनके दो बेटे कार्तिकेय और गणेश, तो उनको जो है पूरी दुनिया के तीन रंग आकर आने। तो जो है उसमें गणेश भगवान को मालूम था मेरा छोटा सा चूहा है वो इतना तेज नहीं भागता है, कार्तिकेय भैया ज़्यादा तेज नहीं कर पाएंगे, तो उनको समझ था। तो जो है उन्होंने क्या करा कि पार्वती माता और शिव भगवान की तीन चक्कर लगा दिए, क्योंकि वो ही उनकी रही सारी दुनिया थी। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि माता पिता के रिस्पेक्ट करने और दूसरी चीज समझ आती है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उस चीज़, शिव भगवान और पार्वती माता पूरी दुनिया थे ठीक है, तो जो उनको जो है उनका राउंड लगाने और फिर ऐसे हो। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि जो भी चीज़ें रहती है उसको फॉरगेट करते रहना चाहिए। जैसे कि क्या हुआ था एक बार कि मतलब एक जगह जो हम गणेश भगवान है वो एक जगह खाना खाने गए थे, तो बहुत सारा खाने गए और फिर उसके जैसी बार उनका पेट थोड़ा फूला हुआ था, तो जो चांद था वो उनका मजाक उड़ा रहा था। तो गणेश भगवान को गुस्सा आ गया और बोल दिया उन्होंने कि तुम जो है कभी भी नहीं दिखोगे मूड। फिर उसके बाद है वो जो चांद है उसने बोला ऐसा ना करे, तो जो है उन्होंने जो फॉरगेट कर दिया चीज़ों को और जो बोला कि मैं ये तो कर देता हूँ कि तुम कभी नहीं दिखोगे, ऐसा ये श्राप खत्म कर देता हूँ, पर धीरे धीरे ऐसा रहेगा, एक दिन ऐसा रहेगा जब तुम कभी नहीं दिखोगे, फिर इसके बाद जो है तुम दिखोगे, तो ऐसा जो है रहेगा। तो इससे समझ आता है कि मतलब जो भी आजकल के लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को भूलते नहीं है और गुस्सा करने लगते, तो उनके रिलेशंस जो उनके साथ ही रहते हैं वो जो उनसे छूटने लग जाते हैं। फिर इसके लिए चौथी चीज़ है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है आगे रखिए। जैसे कि क्या होता है एक बार जब विष्णु भगवान जो लक्ष्मी भगवान से जो शादी कर रहे थे, जब जो है सबको बड़े बड़े भगवानों को बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया गया, तो जो है उसमें महादेव को भी बुलाया गया पर जो है गणेश भगवान को नहीं बुलाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर उसके बाद जिनको जो है डोर पे ही रोक दिया उन्होंने, उसके बाद जैसे नारायण भगवान है उन्होंने बोला आप अंदर नहीं है, तो उन्होंने बोला मेरी बेइज्जती हुई। तो जो है उसके बाद नारायण ने बोला गणेश भगवान कि आप अपना चूहा भेजिए और गड्ढे कर देंगे, जिस वजह से जो है जो बारात है वो निकलने नहीं पाएगी, रुक जाएगी, आपको बुलाएगी, उसके बाद जो है आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए। तो उन्होंने ऐसे ही करा, पर गड्ढा जो है भरा तो जो है मतलब क्या हुआ कि गड्ढा बन गया, चूहे ने गड्ढा बना दिया, पर उसको ठीक कौन करेगा। तो जो है क्या करा, एक जो किसान को बुलाया गया, एक बार को उनको बुलाया गया और फिर उसके जो उन्होंने बोला कि इसको यार गड्ढे को ठीक कर दो। तो उन्होंने सबसे मैंने ओम गणपतये नमः बोला, मतलब कि तो ये जो परंपरा अभी तक चलती रहती कि कोई भी शुभ कार्य करते, कोई भी नया कार्य करते
तो यह उससे पहले यह गणपति भगवान को जो है यह आपको मंगल के लिए जो है बोलना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, क्योंकि जो अभी के लोग हैं वो गणेश भगवान से बहुत सारी चीज़ें सीख। थैंक यू।